स्वागत है। आज मैं इस वीडियो पे एक प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करूंगा जो है एक वेटिंग स्केल भी कह सकते हो या फिर वेटिंग मशीन। मतलब ये जो है जो शॉप पे रहता है वेटिंग मशीन, तो उसी को मैं आज अनबॉक्सिंग करूंगा। वो है एक्टिवा कंपनी की तरफ से। मैं फ्लिपकार्ट पे परचेस किया था तो ये मुझे डिलीवर हो गया है। इसी प्रोडक्ट को मैं आज अनबॉक्सिंग करूंगा। तो ये वेटिंग मशीन कैसे है या कैसे काम करते हैं, ये सारा कुछ जानकारी इस वीडियो पे आप लोगों को पता चल जाएगा। वेटिंग मशीन है तो ये मुझे कितने प्राइस में मिला है ये भी मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो ये जो प्रोडक्ट है मुझे कम प्राइस में ही मिल गया है, मतलब मार्केट से ज़्यादा कम प्राइस में। मार्केट में ये 5000 रुपये लगता है, से बहुत ही कम सस्ते में मुझे मिल गया है फ्लिपकार्ट पर। तो इस कैसे क्या करना है, मतलब इसका चार्जिंग कैसे देना है, आप लोगों को चार्ज कैसे करना है, या फिर इसका जो है मतलब स्विच जो भी है क्या किस लिए है, कौन सा किस लिए, सारा कुछ इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी हमारा नया वीडियो आने लगता है सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो वैसे ही मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो ऐसा इंटरफेस आने के बाद इधर से साइड से आप लोग देख सकते हो एक डिस्प्ले निकल के आता है। ये जो स्टैंड में लग जाएगा ऊपर रहेगा ये डिस्प्ले, तो ये सेकंड डिस्प्ले है और फर्स्ट डिस्प्ले जो है इस पर लगा ही रहता है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये जो स्टैंड है ये स्टेनलेस स्टील का बना है, मतलब बहुत ही अच्छे क्वालिटी का। और इसका जो पैकेजिंग है ये भी बहुत ही अच्छा, और ये जो है इसके ऊपर ही ये रहेगा इसका जो लेग भी कह सकते हो ये। और उसके बाद ये निकल के आता है, ये वेटिंग मशीन भी कह सकते हो या फिर वेटिंग स्केल, ये निकल के आ गया है। तो आ जाने के बाद इसका जो है सारा कुछ मैं खोल देता हूँ, तो उसके बाद कैसा लगता है मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो देख सकते हो उसके बाद है ये जो वेटिंग मशीन है ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब बड़ा साइज का छोटा नहीं है। और इसका जो है चार्जिंग केबल भी निकल के आया है, इसके साथ ही वो अटैच है। और ये जो देख सकते हो ये ऊपर स्टेनलेस स्टील का है और ये जो है प्लास्टिक मटेरियल से बना है। और इस पे जो है चार स्विच है, तो वो क्या करना है, कहाँ से कहाँ से इसको ऑन करना है, सब कुछ मैं दिखाऊँगा। तो इसका पीछे का लुक भी आप लोग देख सकते हो। तो इसको जो है मैं अभी फिट करूंगा, तो आप लोग देखते रहिए कैसे क्या करना है। पहले जो है ये लगाने से पहले इसका इसको जो है खोल लेना है, ये सेकंड डिस्प्ले को खोल लेने के बाद इसका जो ये नट भी नट ये जो है, तो इसको इधर पहले ऐसे लगा लेना है, उसके बाद उसको उस पर जो है ये केबल को डाल देना है, उसके बाद ये सही तरीके से लग जाएगा। सब लोग देख सकते हो ये जो है ये सेकंड डिस्प्ले है, तो ये इधर अटैच हो जाएगा, ये ऊपर रहेगा। देख सकते हो इसका जो है पावर ऑन भी हो गया है, और इसे भी खोल लेना है आप लोगों को कुछ ऐसा करके। इसे खोल लेने के बाद इधर जो है उसका केबल को इधर अटैच कर देना सही तरीके से। तो देख सकते हो ये सेकंड भी ये जल गया है, सेकंड डिस्प्ले भी, और नीचे फर्स्ट डिस्प्ले भी जल रहा है आप लोग देख सकते हो। तो उसके बाद ये सही तरीके से लगा लेना है आप लोगों को। तो लगाने के बाद ये जो है आप लोगों को ये नट के जैसे है, इसको आप लोगों को टाइट कर लेना है सीधी तरफ से। सो ऐसे करके ही ये टाइट भी हो जाएगा। हो जाने के बाद कुछ ऐसे दिखने को लगेगा आप लोगों को। उसके बाद इसका क्या फंक्शन है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो देखते रहिए। ये जो है इसका मैं अभी दिखाता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो ये है वेट। और ये जो फर्स्ट वाला स्विच है ये इस पर 0 लिखा है, तो ये माइनस हो जाएगा वो प्रेस करने पर ही, आप लोग देख सकते हो जो है माइनस हो गया। और उसके बाद जो माइनस है उसको भी 0 करना है, तो यही स्विच को प्रेस करना है, तो ये सही हो जाएगा। और ये जो है चार्जिंग केबल, तो इसको भी मैं चार्ज करके दिखाता हूँ। तो इधर देख सकते हो इधर जो है एक एलईडी लगा है,
स्विच देने के बाद आप लोग देख सकते हो ये रेड भी हो गया है। तो ये जो है रेड हो गया है, स्विच ऑफ करते ही ये ग्रीन हो गया, देख सकते हो ये चार्ज हो रहा है मतलब रेड होने के बाद। तो ऐसे करके ही आप लोगों को चार्ज भी करना है और ऐसे करके यूज़ भी करना है। सो ये बहुत ही सिंपल। तो गाइस ये जो वेटिंग स्केल था या फिर वेटिंग मशीन जो भी आप बोलो, तो ये जो है इसका प्राइस मुझे जो मिला था 3300 में ही मुझे मिल गया था। तो इसका जो है लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर से आप लोग चेकआउट कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, बाय, जय हिंद।